हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 6 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज द इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC टू इनेबल पीपल टू पे मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूडिंग मेट्रो सर्विसेज एंड टोल टैक्स अक्रॉस द कंट्री। डब्ड एज वन नेशन वन कार्ड, द इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड वुड अलाउ द होल्डर्स टू पे फॉर दियर बस ट्रेवल, टोल टैक्सेस, पार्किंग चार्जेस, रिटेल शॉपिंग एंड इवन विदड्रॉ मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम लोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड का शुभारंभ किया। वन नेशन वन कार्ड के रूप में डब किया गया अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड धारकों को अपनी बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा खरीदारी और यहां तक कि पैसे निकालने के लिए भुगतान करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया डिसाइडेड टू कॉल ऑफ दियर ज्वाइंट एक्सरसाइज फॉल ईगल एंड की रिजॉल्व एंड इंस्टीड bifurcate them into smaller exercise. This is being done to ease tensions with North Korea. Key resolve will be replaced by Don Mang, which is also known as Alliance in English. Fall Eagle drills will be replaced by a smaller battalion size exercise. संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने संयुक्त अभ्यास फाल ईगल और कियर रिसोल को बंद करने का फैसला किया है और इसके बजाय उन्हें छोटे अभ्यासों में विभाजित किया गया है। उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कियर रिसोल को डोंग मांग से बदल दिया जाएगा, जिसे अंग्रेजी में गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है। पन्नी ईगल ड्रिल को एक छोटे बटालियन के आकार के अभ्यास से बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों की। भगवान लाल सानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। कौशलेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव एंड आचार्य तलोजियो have been appointed as members of the commission. Their names were approved by President Ramnath Kovind. The NCBC was given constitutional status by Parliament in 2008 after repealing the National Commission for Backward Class Act 1993. भगवान लाल साहनी को नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कौशलेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव और आचार्य तल्लुज को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी है। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को रद्द करने के बाद 2008 में संसद द्वारा NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। इंडियन बैंक, ए पब्लिक सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्स एट चेन्नई तमिलनाडु, हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट बैंक अवार्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर सक्सेसफुली मीटिंग द नीड्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
The award was given to M. K. Bhattacharya, the Executive Director of Indian Bank by the Chief Minister of Tamil Nadu, K. Palaniswamy, at Salem, Tamil Nadu. चेन्नई में मुख्यालय वाले एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक को तमिलनाडु को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के सैलम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी द्वारा इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक एम के भट्टाचार्य को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, टाटा स्टील हैज रिसीव्ड द अवार्ड एज वन ऑफ द 2019 वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनीज। द अवार्ड हैज बीन गिवन बाई इथी स्पेयर इंस्टीट्यूट USA। द कंपनी वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड 7 टाइम्स प्रीवियसली एंड इज वन ऑफ द ओनली 2 अवार्डीज इन द मेटल्स मिनरल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री। In 2019, 128 honors across 21 countries and 50 industries have been recognized. Tata Steel ने 2019 विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों में से एक के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट USA द्वारा दिया गया है। कंपनी को पहले भी 7 बार यह मान्यता दी गई थी और वह धातु खनिज और खनन उद्योग में केवल 2 पुरस्कृतों में से एक है। 2019 में 21 देशों और 50 उद्योगों में 128 पुरस्कृतों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, सतीश रेड्डी द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज बीन चोजन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स एज द कोविनर ऑफ द 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड। The other co-winner is Rondell J. Wilson, who is former Principal Engineering Fellow of Raytheon Missile System. Satish Reddy is the first person to be honored with this award outside the USA in 40 years. भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष सतीश रेड्डी को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के सह विजेता के रूप में चुना है। अन्य सह विजेता रोडेल जे विल्सन है, जो रेथियोन मिसाइल सिस्टम के पूर्व प्रिंसिपल इंजीनियरिंग सदस्य है। सतीश रेड्डी 40 वर्ष में अमेरिका के बाहर से इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्कीम्स एंड कमिटीज, योजना और समितियों की। द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अनाउंस्ड नोटून दिशा न्यू डायरेक्शन फॉर असिंग सिंग द एकेडमिक लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd to 8th एंड देन इम्प्रूविंग दियर करंट लेवल। इट वॉज लॉन्च्ड बाई स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ। ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाई NGOs एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू 800 टीचर्स। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1 month। 28 crore रुपीज हैव बीन एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। त्रिपुरा सरकार ने 3rd से 8th कक्षा में छात्रों के शैक्षणिक स्तर का आकलन करने और फिर उनके वर्तमान स्तर में सुधार के लिए नोटन दिशा नई दिशा की घोषणा की है। इसका शुभारंभ राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने किया है। गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थाओं द्वारा 800 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। परियोजना की अवधि 1 महीने है। परियोजना के लिए 28 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, शिखर सम्मेलन और बैठकों की। अबू धाबी होस्टेड द 46th सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इट वॉज ए 2-day गैदरिंग डेडिकेटेड टू डिस्कसिंग वेज टू कॉम्बैट हेट स्पीच एक्सट्रीमिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। This is the first time that India participated in the meeting. Sushma Swaraj attended the inaugural session of the Organization of Islamic Cooperation meeting in Abu Dhabi, where she was welcomed as a guest of honor. Abu Dhabi ne Islamic Cooperation ke sangathan ke videsh mantriyon ki parishad ki.
46वें सत्र की मेजबानी की। यह दो दिवसीय सभा थी जो इस क्षेत्र में घृणास्पद भाषण, उग्रवाद और संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए समर्पित थी। यह पहली बार है जब भारत ने बैठक में भाग लिया। सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मीटिंग के उद्घाटन सत्र में शिरकत की, जहां उनका स्वागत अतिथि के रूप में किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंक और रिपोर्ट्स की। अकॉर्डिंग टू द डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, आसाम्स हैलाकांडी हैज बिकम द टॉप एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट अमोंग द 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार असम के हैलाकांडी को देश के 112 एस्पायरेशनल जिलों में शीर्ष आंकड़ात्मक जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड युवा विज्ञानी क्रियाक्रम, ए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर द स्कूल चिल्ड्रन टू बी स्टडिंग इन द 9th स्टैंडर्ड। कैच देम यंग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी ऑफ अराउंड 2 weeks ड्यूरेशन ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, with a proposal to select 3 students from each state and union territory covering CBSE, ICSE and states syllabus. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। कैच थेम यंग आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग 2 सप्ताह की अवधि का होगा, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3 छात्रों का चयन करने का प्रस्ताव है, जिसमें CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम शामिल होंगे। और लास्ट न्यूज है आपका ऑप्टोरिज निधन। अमेरिकन एक्टर ल्यूक पेरी हैज पास्ड अवे इन कैलिफोर्निया एट द एज ऑफ 52 ईयर्स, लेस देन ए वीक आफ्टर सफरिंग ए मैसिव स्ट्रोक। द एक्टर रोज टू फेम फॉर हिज रोल्स इन बेवरली हिल्स 90210 एंड रिवरडेबल। अमेरिकी अभिनेता ल्यूक पेरी का एक बड़े स्ट्रोक से पीड़ित होने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद 52 वर्ष की उम्र में कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। अभिनेता बेवरली हिल्स 90210 और रिवरडेल में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट जो भी आपका कमेंट है वो कमेंट करें और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।